हेलो, दिस इज शुभ्रजीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ अमेज़न प्राइम में आज ही रिलीज किया गया फिल्म जय भीम के बारे में। तो लास्ट ईयर सुरराई पोत्रो आया था, सूर्या का फिल्म इसी टाइम में आया था एक्चुअली, नवंबर दिसंबर इसी फेज में। तो उसके बाद एक साल वेट करने के बाद सूर्या का नया फिल्म आया। तो इसका जो ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देख के लगा था कि एक क्राइम ड्रामा होने जा रहा है, उसके साथ पॉलिटिकल एक साइड है, उसका एक ह्यूमन या ह्यूमन राइट्स वाला एक एंगल है। पर जब ये फिल्म आया और फिल्म के बारे में इसका जो बैक स्टोरी है, जहाँ से एडप्टेड है एक्चुअली, ऑब्वियसली इट्स अ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट के ऊपर बनाया गया है ये फिल्म जय भीम। तो उसके बारे में जब पढ़ा तब लगा एक्चुअली सूर्या बैक टू बैक दो रियल इंसिडेंट के ऊपर काम किया है, और जो भी किया है एटलीस्ट मेरे जैसा सूर्या फैन या जो भी इंडियन फिल्म लवर्स है उनके लिए एक बड़ा ये सौगात है और कुछ नहीं है। देखिए, ये फिल्म के बारे में बहुत बड़ा एक वीडियो हो सकता है, तो पर आपका भी टाइम है, मेरा भी टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत कंपैक्ट करके जितना अच्छे से इसको बोल पाऊँ मैं कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखें। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा ऑब्वियसली छोटा वीडियो बनाने का। तो ये फिल्म का ड्यूरेशन रखा गया है लगभग 2.5 घंटा, पर कहीं पे भी जाके मेरे को ये फील नहीं हुआ कि ये फिल्म बहुत लंबा खींच रहा है। देखिए, आजकल जो भी फिल्म आता है वो फिल्म एटलीस्ट 1 आवर 55 मिनट्स, 2 आवर 10 मिनट्स इसी के बीच रैप अप हो जाता है। लोगों का कंसंट्रेशन टाइम कम हो रहा है, ये तो साइंस बोल रहा है और हम खुद भी फील करते हैं जब देखते हैं। अभी जाके 1.5 साल का जब ये हम लोग का OTT का एक्सपीरियंस, इसके बाद जाके सिनेमा में फिल्म देखते तब वो फिल्म का एक्सपीरियंस में हम लोग को लगता है ये क्यों इतना स्लो चल रहा है, फास्ट पेस काम देखने का हम लोग को आदत पड़ गया है। फिर भी ये फिल्म का जो स्टोरी है, ये स्टोरी जैसे डायरेक्टर नैरेट करते हैं अंत तक आपको ये फिल्म खींच के रखेगा आपका मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, ये फिल्म जय भीम। तो फिल्म का जो एडेप्टेशन है वो है के चंद्रू करके एक मद्रास हाईकोर्ट का एक एडवोकेट थे 1993 में। एक्चुअली बाद में जाके वो एक्चुअली मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी बने थे, चीफ जस्टिस या जो भी आई डोंट श्योर, बट जस्टिस बने थे मद्रास हाईकोर्ट का। तो उन्हीं का लिया गया एक केस जो उन्होंने सॉल्व किए थे 1993 में, वो केस एक्चुअली उन्होंने जीते थे भी। तो वही केस जिस केस को एक्चुअली अभी तक माना जाता है मद्रास हाईकोर्ट का सबसे लॉन्ग खींचने वाला या सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला केस, वही केस के ऊपर ये बना गया है। और वही के चंद्रू करके जो कैरेक्टर है या जो रियल लाइफ जो पर्सन है उन्हीं के ऊपर ये सूर्या का कैरेक्टर बेस्ड है। तो ओवरऑल कहीं पे जाके आपको स्क्रीन प्ले ड्रैग नहीं लगेगा, कहीं पे जाके आपको नहीं लगेगा कि फिल्म ज्यादा खींच रहा है, अभी इसको थोड़ा कम्पैक्ट होता तो अच्छा लगता। तो स्क्रीन प्ले में वो खींचने वाला या स्क्रीन प्ले में वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाला बात है, उतना दम तो है एटलीस्ट फिल्म में। तो इसके बाद आते हैं ये फिल्म में जो एंगल दिखा जा रहा है। 2016 में एक फिल्म आया था, धनुष थे उसका प्रोड्यूसर, वो फिल्म इंडिया से 2017 के ऑस्कर में भी इंडिया का ऑफिशियल एंट्री भी था। फिल्म का नाम था विजर नाइट, डायरेक्टेड बाय वेटिमरन सर। तो वो फिल्म जिन्होंने देखे है, और उसके बाद भी वो फिल्म अगर आपने नहीं देखे भी है तो 2021 में एक फिल्म आया था धनुष का ही फिल्म, उसमें धनुष खुद एक किरदार निभा रहे थे कर्णन। तो कर्णन जो देखे है, और ये कर्णन और वेटिमरन सर का जो फिल्म है ये विजर नाइट, दोनों ही जिन्होंने देखे उनको पता है कि तमिल फिल्म कैसे जाके एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, अपने आवाज के जरिए बोलता है कि हर एक कॉइन का दूसरा साइड भी है, वो जो रॉ वो जो हर्श रियलिटी है उनको कैसे नाइट करना है। ये तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज के फिल्म को आप लोग जितना देखेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे जान पाएंगे। तो वही सेम फ्लेवर इधर लाते, वो पोलिस या सिस्टम का जो करप्शन है, और सिर्फ करप्शन नहीं जिसको देख के आपको गाली देने का मन करेगा। सच में मेरा किसी के प्रति हेटेड नहीं है, पर ये फिल्म जैसे दर्शाता है, ये जैसे दर्शाता है मेरे को वही फील होता है सच में कि चलिए हम ये पुलिस लोगों का या टोटल सिस्टम का एक अच्छा साइड भी देखते हैं, और हमको पता है बुरा साइड भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक कॉइन का हम इंसान के अंदर भी एक अच्छा साइड है एक बुरा साइड है, और वही पुलिस का वही साइड नेगेटिव साइड नेगेटिव शेड को कैसे ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री, एटलीस्ट मेरा तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में मैं ये साइड को ज्यादा पोर्ट्रेट करते हुए देखा हूं मैं, तो उसी के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आपके शरीर में वही आपके रोंगटे खड़ा कर देगा फिर से, वही सेम पुलिस का फ्रेम करना, वही सेम पुलिस का टॉर्चर करना। और इधर एक नया एंगल आया है ऑब्वियसली के चंद्रू सर का या सूर्या का जो कैरेक्टर है उनका वो एंगल, दोनों एक ही साइड से जाता है, पर इधर भी एक ट्विस्ट लाए है मेकर्स ने। एक्चुअली ये रियल लाइफ बेस्ड है या कितना सच है, कितना फिल्म के लिए इसको
ज्यादा आइलेट है उतना पता नहीं है, पर जो है अगर मैं रियल लाइफ सीन को साइड में रख के भी बात करूँ ना, तो फिल्म के हिसाब से ये फिल्म बैलेंस्ड है, काफी मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं विजन नहीं देखूँ तो टोटल एक नेगेटिव साइड दिखा रहा है, उनमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड से, पर फिर भी टोटल वो जो एक लूप बनाया हुआ है, वो लूप में जैसे अभिमन्यु का जो हाल था उसको उनका जो हुआ था महाभारत में, तो वही हाल में वही थोड़ा पॉजिटिव साइड या थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट टोटल नेगेटिव एक लूप में जाके खो गया था, जस्ट खो गया था। पर इधर जाके एक वही नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव साइड है जो कि एज यूजुअल एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है। एक पॉजिटिव साइड जिनका कैरेक्टर निभा रहा है इधर प्रकाश राज सर, और उनका अपोजिट में स्पॉइलर नहीं था, और उनका अपोजिट में है पूरा सिस्टम का और एक साइड, तो दोनों को एक तरफ से रखा, और बीच में सूर्या सर का जो कैरेक्टर है, के चंद्रू सर का जो कैरेक्टर, इन तीनों को प्रॉपरली ब्लेंड किया है। उसके साथ साथ ट्राइबल लोगों का जो लाइफ है, उनका जैसे लाइफस्टाइल है, उनका जैसे रोजी है, उसके जैसे कपड़ा है, उन लोगों का रोटी है, मकान है, सब कुछ लेके, और उनके प्रति वो हायर की या समाज में जो हम लोग का जात पात का जो वो भेदभाव है, वो हायर की या वो कास्ट सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि आपके मुंह पे जाके वो लग रहा है वो कास्ट सिस्टम का बात कर रहे हैं, पर बहुत सटल तरीके से बोलने की कोशिश किया है। और उसके साथ इसका जो ट्रीटमेंट है विथ द म्यूजिक, वो हर किसी को कनेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि एक क्लास ऑडियंस के कोट एंड कोटेड जो क्लास ऑडियंस है, मैं उनका बात कर रहा हूँ, एक क्लास ऑडियंस को ये कनेक्ट करेगा ऐसा नहीं, टोटल हर किसी के लिए ये फिल्म यूनिवर्सल बनाया गया है कि हर कोई इसके साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये जो चीज है उसके साथ ऑब्वियसली तमिल फिल्म या साउथ इंडियन इंडस्ट्री का जो एक्स फैक्टर है वो है अपने कल्चर को दिखाना, कुछ कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है, एटलीस्ट अंत में तो मैं देखा उनके बारे में एटलीस्ट मेरे को पता नहीं है। ये ऑब्वियसली जो तमिल लोग है या उधर का जो लोग है तमिलनाडु का, उन लोगों को ज्यादा पता होगा तमिलनाडु पोडिचेरी वही रीजन का, मेरे को उतना पता नहीं कल्चर जो उधर रेफरेंसेस था, पर जितना बाकी को अगर मैं देखूं तो वो यूनिवर्सल है, हर कोई कनेक्ट कर पाएगा उससे, हर कोई वो सब चीजें झेला है कम या ज्यादा, हर कोई वो सब चीजें देखा है कम या ज्यादा, तो एक यूनिवर्सल एक प्रोजेक्ट एक यूनिवर्सली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएगा डायरेक्टर का ये जो विजन है। जैसे मैं एक डीओपी का एक शॉर्ट से बात करूं, एक है एक स्नेक जैसे वो सांप काटने से वो जो ट्राइबल लोगों का एक सेक्शन है जो जाके लोगों के घर में सांप पकड़ते हैं, हाँ किसी के घर में सांप घुस गया तो वही लेने आया है उनको एस्कॉर्ट करके और उसके घर तक ले जाएगा, पर वो ऑब्वियसली वो जात वाला जो सेक्शन है उसमें जो उनको बाइक में लेने आया है वो उनसे बड़ा है जात वाला सिस्टम में, तो वो बाइक ड्राइव कर रहे हैं और जिनको पीछे बिठा रहा है वो है एक्चुअली ट्राइबल लोग, तो वो पीछे बैठ के उनके कंधे पे बस हाथ रखने जा रहा है, बस एक टच हुआ और सामने वाला जो बाइक ड्राइव कर रहा है वो पीछे ऐसे मुड़ के ऐसे लुक दिया कि सब कुछ उधर बोला गया है कि ये है भेदभाव, ये है कास्ट सिस्टम का बकचोदी। और उसके साथ जो पीछे बैठ रहे ट्राइबल आदमी उनका पैर रखने, वो एक्चुअली पैर में उनका जूता नहीं है, खाली पैर, वो पैर रखने का जगह लेफ्ट साइड पे तो रख लिए पर राइट साइड में वो साइलेंसर पाइप के ऊपर जा रहा है, उधर वो उसको हीट लग रहा है तो पैर साइड पे कर रहा है, वो शॉट ऐसे शॉट डिविजन किया है, शॉट को इतने अच्छे तरीके से, ये बहुत सारा था छोटा 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 आप लोगों को आपके दिमाग में अंदर जाके खेलेगा। ये जो डीओपी है डीओपी सेक्शन कमाल का लगा मेरे को, बहुत अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है डीओपी ने। और साउंड का बात अगर मैं करूँ तो साउंड बहुत ज्यादा बोला ना, एक यूनिवर्सल ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए साउंड रखा गया है, तो साउंड में बहुत खास कुछ नहीं है, एक सटल कुछ रखा है जिससे हर कोई कनेक्ट हो पाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ बॉम्बास्टिंग साउंड है, पर डीओपी पार्ट मेरे को बहुत सही लगा, इनका जो स्क्रिप्ट पार्ट था और सबसे बढ़िया था स्टोरी पार्ट, तो ये जो पार्ट था। उसके साथ साथ अगर एक्टिंग का बात मैं करूँ तो सूर्या सर लाउड नहीं बहुत सटल है, लाउड नहीं बहुत सटल है, एक कमर्शियल स्टार जैसे काम करते, कमर्शियल स्टार का पावर मेरे को बहुत ज्यादा लगता है जब वो एक अलग तरीके से फिल्म में काम करते हैं, तो इधर भी वो फील आया है, एक कमर्शियल स्टार जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, कोट अनकोटेड कमर्शियल हो या थोड़ा बैलेंस वर्क हो, फिर भी जैसे उनका कामों का रेंज है वो जगह पे छोटा 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 फुट नोट वो ऐसे डाल के गए अपने एक्टिंग के जरिए, वो देख के मजा आएगा, उनका रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डायलॉग डिलीवरी मजा आता है, कमाल का फिल्म है, कमाल का फिल्म है। ओवरऑल जाइए ऑब्वियसली अमेजन प्राइम में अवेलेबल है, आज भी रिलीज हुआ है, आप लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो रिकमेंड करूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है जो ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं हर किसी को बोलूंगा ये फिल्म ऑब्वियसली मस्ट वॉच,
एटलीस्ट ये फिल्म एक बार देखना तो डिजर्व करता है। तो ये था मेरा रिव्यू और रिएक्शन, इसको लेके और ज्यादा बात कर सकते हैं हम लोग ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो लगभग 10 मिनट हो गया है, मैं और ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। तो यही तक मेरा वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया जो देखे, आप लोगों को जो जो अच्छा लगा है ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना ये मूवी के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है। और मेरे वीडियो में कुछ आप लोगों का शिकायत है तो वो भी जरूर जरूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो तो ऑब्वियसली एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी रात मंगलमय हो। बाय।